बाड़मेर के सिंदरी चौराहे पर निर्धारित टैक्सी स्टैंड नहीं होने से आए दिन टैक्सी चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यातायात पुलिस टैक्सी चालकों को नो पार्किंग में खड़ा करने पर चालान काट देती है। इससे नाराज टैक्सी चालकों ने गुरुवार को सिंदरी चौराहे पर विरोध करते हुए अपनी टैक्सी खड़ी कर हड़ताल का ऐलान किया। कई घंटों तक सैकड़ों टैक्सियां सड़क किनारे खड़ी रही, जिससे यातायात व्यवस्था बदहाल नजर आई। बाड़मेर के सिंदरी चौराहे पर निर्धारित टैक्सी स्टैंड नहीं होने से आए दिन टैक्सी चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यातायात पुलिस आए दिन टैक्सी संचालकों को नो पार्किंग में खड़ा करने पर चालान कर देते हैं। इससे नाराज टैक्सी संचालकों ने गुरुवार को सिंदरी चौराहे पर विरोध करते हुए अपनी अपनी टैक्सी खड़ी कर हड़ताल का ऐलान कर दिया। कई घंटों तक सैकड़ों टैक्सियां सड़क किनारे खड़ी रही, जिससे यातायात व्यवस्था बिगड़ गई। विरोध कर रहे टैक्सी संचालकों का कहना था कि सिंदरी चौराहे पर कोई निर्धारित टैक्सी स्टैंड नहीं है। ऐसे में टैक्सी चालक जब भी सवारी लेने के लिए रुकते हैं तो यातायात पुलिस चालान कर देती है। टैक्सी चालकों ने आरोप लगाया कि टैक्सी चालकों से यातायात पुलिस भेदभाव करती है, पुलिस के पहचान वाले चालकों के चालान नहीं करते, जबकि गरीब टैक्सी ड्राइवर को बेवजह परेशान किया जा रहा है। टैक्सी चालकों ने बाड़मेर जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा और सिंदरी चौराहे पर टैक्सी स्टैंड के लिए निर्धारित स्थान दिलवाने की मांग की। हमारी मांग है, एक तो चालान हो रहा है हमारा बिना मतलब से, और दूसरी बात न तो हमारे को जगह मिल रही है टैक्सी खड़ी करने का, स्टैंड दे रहे हैं, हमारे खड़ी कर दी सीधा चालान, स्टैंड दे नहीं रहे, जो रिश्तेदार है उनको छोड़ देती है और पीछे गरीब को सीधा सालान कर देते हैं। हमारे को स्टैंड चाहिए, हमारे को स्टैंड चाहिए और ना बिना मतलब का सालान सही। आज आप टैक्सी वगैरह खड़ी करके हड़ताल कर रहे हो? हड़ताल कर रहे हैं बिल्कुल। बाड़मेर के सिंदरी चौराहे पर गुरुवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान कई घंटों तक टैक्सियां सड़क किनारे खड़ी रही और सैकड़ों टैक्सी संचालकों ने हड़ताल का समर्थन किया। वहीं कुछ टैक्सी संचालक सवारी लेकर जा रहे थे, उनसे भी हड़ताल कर रहे टैक्सी संचालकों ने मान मनोवल कर सवारियों को टैक्सियों से नीचे उतरवा कर खड़ा करवाया।